रांची जिले के कांके प्रखंड निवासी यह हैं अशरफा खातून। पैसे की कमी के कारण पेट में पथरी का ऑपरेशन इनका नहीं हो पा रहा था। अशरफा की बड़ी बहन नजमा खातून का कहना है कि आयुष्मान भारत की जानकारी ने इनके पूरे परिवार को बड़ी राहत दी है। हाँ, हम लोग सोचते थे कि बहुत पैसा लगता है ऑपरेशन में, लेकिन ये आयुष्मान भारत ये कार्ड के सिलसिला हम लोग का ये पैसा नहीं लग रहा है। बगैर किसी खर्च के बहन अशरफा खातून का ऑपरेशन होने से छोटे भाई जावेद भी बहुत खुश हैं। मुफ्त में ऑपरेशन होने से जावेद आयुष्मान भारत योजना और केंद्र सरकार को धन्यवाद देते नहीं थकते। आयुष्मान कार्ड से हम लोग को बहुत ही लाभ हुआ है। इधर उधर अगर नहीं आयुष्मान कार्ड से अगर हमारा इलाज होता तो इधर उधर बहुत ही कर्जा करना पड़ता, इससे हम लोग को भारी समस्या घर पर आ सकता था, लेकिन आयुष्मान कागज का बहुत ही बड़ा लाभ हो रहा है हम लोग का। कांके जनरल अस्पताल के प्रबंध निदेशक डॉक्टर शंभू प्रसाद सिंह का कहना है कि यह योजना बेसहारा लोगों के लिए सहारा बनकर उभरा है। आयुष्मान भारत योजना के तहत इस अस्पताल में अब तक सैकड़ों लोगों का मुफ्त में सफल इलाज किया जा चुका है। सचमुच आयुष्मान भारत जो योजना है ये गरीबों के लिए मेरे हिसाब से वरदान है, क्योंकि वो गरीब जो कभी अपने इलाज के लिए सपना देखते थे या इलाज कराने के लिए अपना खान पान को त्याग करके इलाज कराना पड़ता था, आज वे निसंकोच अस्पताल में केवल अपना कार्ड लेकर आते हैं और पूरी तरह से स्वस्थ होकर के यहाँ से जाते हैं। उन्हें एक पैसे की खर्च नहीं होती है, उन्हें पेशेंट को खाना पीना भी हॉस्पिटल से ही मुहैया हो जाता है, और इस तरह से हम पा रहे हैं कि गरीब के लिए एक तरह से ये वरदान है। एक समय था जब आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोग महंगे इलाज के नाम से ही मायूस हो जाते थे, लेकिन केंद्र सरकार की मदद से गरीब परिवारों के हाथों में गोल्डन कार्ड आ जाने से लोगों में आत्मविश्वास बढ़ा है। रांची से करमवीर की रिपोर्ट।